जो लोग रोजगार नहीं प्राप्त कर सके, सबको जैसे मैंने बताया मिलेगा नहीं, ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए एक स्पेशल स्कीम निकाली जी, युवा सक्षम स्कीम। सक्षम स्कीम में आपको अनएम्प्लॉयमेंट का भत्ता 3000 रुपया वो मिलेगा, साथ में 100 घंटे एक सप्ताह में यदि काम करेंगे एक महीने में, महीने में 100 घंटे काम करेंगे तो 6000 रुपया उसका भी मिलेगा, यानी 9000 रुपया, ताकि वो खाली बैठा है उसकी जेब में कुछ पैसा चाहिए ताकि आगे अपने पढ़ाई में, ट्रेनिंग में, या कहीं रोजगार लेने के लिए कुछ वो अपने तलाश ढूंढ सके, तो उसको 9000 रुपया 100 घंटे काम के बदले दिए। 1,00,000 से ऊपर लोगों को हम ये सुविधा दे चुके हैं। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि दरअसल इतनी बेरोजगारी इस नाते से उसका ध्यान रखना चाहिए, बहुत बार ये कह चुके हैं और उसको चैलेंज करते हैं। हमारे पास जो डाटा है, एक एक परिवार में एक एक व्यक्ति का डाटा है, हमने परिवार पहचान पत्र जो बनाया है और उसमें सेल्फ डिक्लेयर डाटा जो है, आज भी हमारे पास 8.5 लाख लोग ये कहते हैं मैं बेरोजगार हूं, मुझे काम चाहिए। उस 8.5 लाख में 58 साल तक के लोग हैं। अगर हम व्यवसाय के नाते, रोजगार के नाते देखते, तो 18 साल से 35 साल के आदमी की चिंता हमको करनी चाहिए, क्योंकि उस सफर के ऊपर का व्यक्ति को नौकरी भी करना उसके लिए संभव नहीं है, यानी बेरोजगारी है वो 6 से 8%, ये फ्लक्चुएट करती है, उनके कहने के हिसाब से ये 30% होगी, 35 होगी, जिस दिन 35% बेरोजगारियां हो जाएंगे उस दिन बहुत परेशानी हो जाएगी लोगों को।